नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2024 में उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से आप लोगों को चारधाम यात्रा कराते हैं। अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से हम अच्छी टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं और होटल भी प्रोवाइड कराते हैं। फुल पैकेज हम आपको देते हैं, जिसमें हम टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे रूम चारधाम यात्रा में हम प्रोवाइड कराते हैं, साथ में हम फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि आपके लिए जाननी जरूरी है। दोस्तों, चारधाम यात्रा पर आने के लिए सबसे जो जरूरी काम है, आपको चारधाम यात्रा के लिए गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन की, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, अभी जो है मई मंथ की जो रजिस्ट्रेशन है वो फुल हो चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, 10 मई से यात्रा खुल रही है और 30 मई तक के जो रजिस्ट्रेशन है लगभग यमुनोत्री, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के फुल हो चुके हैं। बद्रीनाथ के जो रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं, अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप 1 जून के बाद अपना प्लान करें चारधाम यात्रा के लिए, क्योंकि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा और आपकी जो यात्रा अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी बुक करना चाहते हैं और पैकेज बुक करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं और चारधाम यात्रा के लिए पैकेज भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं, हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से जो टैक्सी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, स्विफ्ट डिजायर खड़ी है, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यू गाड़ी है, अभी 15 अप्रैल को आई है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। अगर आप 4 लोग हैं, 4 मेंबर है, तो हम आपको स्विफ्ट डिजायर प्रोवाइड कराएंगे और इसका किराया कितने होने वाला ये भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, भीड़ के हिसाब से किराया जो है अप डाउन होता रहता है, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। 3500 से 4000 रुपए का इसका जो रेट रहने वाला है। अब आप 3500 रुपए तो आप दोस्तों छोड़ दें, क्योंकि काफी मात्रा में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है तो गाड़ी शॉर्ट हो रखी है और गाड़ी के रेट भी बढ़े हैं, तो आप 3800 रुपए मान के चलें और फाइनल रेट मैं आपको जब आप मेरे से फोन पे संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा स्विफ्ट डिजायर का कितना रेट होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप 5 या 6 लोग हैं तो हम कौन सी गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, 5 और 6 लोगों के लिए हम अर्टिगा गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, किया कैरेंस जो अब नई गाड़ी आई है वो प्रोवाइड कराते हैं और इनोवा। दोस्तों, इन गाड़ियों का रेट भी अलग अलग होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अर्टिगा गाड़ी लेते हैं तो अर्टिगा का जो रेट है लगभग 4800 से 5000 रुपये का आपका पर डे का हो सकता है। आप फोन जब हमसे करेंगे डेट वाइज हम आपको रेट भी फाइनल बता देंगे। और दोस्तों, अगर आप किया कैरेंस लेना चाहते हैं तो उसका 5000 से 5200 या 5300 रुपये पर डे का रेट हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इनोवा गाड़ी लेंगे तो इनोवा गाड़ी का रेट दोस्तों 5500 से 6000 रुपए तक का जा सकता है। दोस्तों, पर डे बेसिस पर इन गाड़ियों का रेट होता है। जैसे अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं, हरिद्वार से जो यात्रा शुरू करेंगे वो लगभग 9 से 10 दिन की होने वाली है, और अगर आप दो धाम की यात्रा करेंगे हरिद्वार से या ऋषिकेश से तो 5 से 6 दिन की होने वाली है। तो पर डे बेसिस पर आपको ये गाड़ियां मिलती है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं, अब आप 6 लोगों से ज़्यादा हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो हम कौन सी गाड़ी आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, 8 लोगों के लिए हम बोलेरो गाड़ी आती है वो प्रोवाइड कराएंगे। बोलेरो गाड़ी दोस्तों इनोवा या किया कैरेंस की तरह लग्जरी गाड़ी तो नहीं होती है, लेकिन पहाड़ों के लिए एक बहुत अच्छी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है। उसका रेट भी दोस्तों कम होता है, इनोवा या अर्टिगा गाड़ी से रेट कम होता है। इसका आप 4500 से 4800 रुपये पर डे मान के चलें, आपको बोलेरो गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप इससे भी ज़्यादा लोग हैं, अगर आप 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 14 लोग हैं, 17 लोग हैं, इसके लिए दोस्तों हम टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड कराते हैं। अगर 12 लोग हैं तो हम 12 सीटर आपको टेम्पो ट्रेवलर देते हैं, अगर 14 लोग हैं तो हम 14 सीटर टेम्पो ट्रेवलर देते हैं, और अगर आप 17 लोग हैं तो हम आपको 17 सीटर टेम्पो ट्रेवलर देते हैं। दोस्तों, इसका भी रेट अलग अलग है। अगर आप 12 लोग हैं तो हम आपको टेम्पो ट्रेवलर देंगे 12 सीटर, जो कि पुश बैक होता है। इसका दोस्तों रेट आपका लगभग 8500 से 9000 रुपये पर डे का हो सकता है, और अगर आप 14 सीटर टेम्पो ट्रेवल लेंगे तो उसका भी लगभग 9000 और 9200 रुपये पर डे का हो सकता है। और 17 सीटर दोस्तों अगर आप टेम्पो ट्रेवलर लेते हैं तो उसका रेट 10000 से 11000 साढ़े 11000 रुपये हो सकता है। दोस्तों, भीड़ के हिसाब से ही इसका रेट भी एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि टेम्पो ट्रेवलर की डिमांड चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी रहती है और टेम्पो ट्रेवलर शॉर्ट हो जाते हैं तो रेट भी काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। आप हमसे जब फोन पे संपर्क करेंगे तो हम आपको डेट के हिसाब से फाइनल रेट भी टेम्पो ट्रेवलर का दे देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, जो हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से चारधाम यात्रा का पैकेज दे रहे हैं वो कितने का होने वाला है। दोस्तों, हमारी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से हम जो चारधाम यात्रा का पैकेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस प्रकार से होने वाला है और उसका क्या रेट होने वाला है पैकेज का, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों,
दोस्तों, लेकिन मई मंथ में जो है हम आपको चारधाम यात्रा के लिए पैकेज प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि मई महीने के जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से ही फुल हो चुके हैं और होटल्स भी चारधाम यात्रा में जो है फुल हो चुके हैं मई महीने के लिए। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप 1 जून के बाद हमसे संपर्क करें चारधाम यात्रा पैकेज के लिए। दोस्तों, अगर आप 4 लोग हैं तो हम आपको चारधाम यात्रा पैकेज के लिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे और इसमें हम आपको एक रूम देंगे 4 बेड का, जहाँ भी आपकी नाइट स्टे होगी। ये 10 दिन का आपका रहने वाला है, इसमें 9 रात होने वाली है, 9 नाइट का ये आपका रहेगा पैकेज। इसमें हम आपको एक 4 बेड का रूम प्रोवाइड कराएंगे और फूड में आपको दोस्तों डिनर और ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। और दोस्तों, इसकी कीमत, इसका जो है आपका प्राइस कितना होने वाला है दोस्तों? 4 लोगों का जो टोटल पैकेज है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ 95,000 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट आने वाली है। केदारनाथ में जो हमारी नाइट स्टे होती है वो आपको टेंट में मिलने वाली है। जो हमने 95,000 का जो पैकेज आपको बताया है उसमें आपको नाइट स्टे टेंट में मिलेगी और विदाउट फूड। थोड़ा सा दोस्तों आपको एडजस्टमेंट करना होगा केदारनाथ धाम में, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कठिन यात्रा है चारों धामों में वो केदारनाथ धाम की है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट दोस्तों आपको बाबा के धाम में करना पड़ेगा। तो जो नाइट स्टे हम दे रहे हैं आपको केदारनाथ में वो टेंट में रहने वाली है। और अगर आप होटल चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट दोस्तों अलग से बढ़ जाती है, लगभग 2,500 से 3,000 रुपये 1 पर्सन के हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वो आप हमसे फ़ोन पे संपर्क करके आपको बता सकते हैं कि आप होटल लेना चाहते हैं या टेंट लेना चाहते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं 6 लोगों की। अगर आप 6 लोग हैं तो आपका पैकेज कितने का होने वाला और कौन सी हम गाड़ी प्रोवाइड करा रहे हैं? दोस्तों, 6 लोगों के लिए हम आपको अर्टिगा गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे या किया कैरेंस कराएंगे। तो इसमें दोस्तों आपका जो टोटल आपका जो कॉस्ट आएगा पैकेज का 1,42,500 रुपये की कॉस्ट आने वाली है। लगभग 23,750 रुपये 1 जने का जो है इसमें कॉस्ट आएगी। तो इसमें दोस्तों हम आपको 2 ट्रिपल बेड के रूम प्रोवाइड कराएंगे और आपको फूड में डिनर और ब्रेकफास्ट होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया, केदारनाथ में आपको टेंट में नाइट स्टे होने वाली है। दोस्तों, अगर आप 8 लोग हैं, 8 लोगों के लिए हम आपको बुलेरो प्रोवाइड कराएंगे। बुलेरो में थोड़ा सा रेट आपका कम हो जाएगा। जो मैंने 23,750 बताया उसमें आपका 22,500 रुपये का आपको बुलेरो का पैकेज का रेट पड़ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप ज़्यादा लोग हैं, अगर 12 लोग हैं तो हम आपको पैकेज में टेम्पो ड्राइवर प्रोवाइड कराएंगे और उसका रेट दोस्तों 22,500 एक जने का आप मान के चलें आपको मिल जाएगा। और आप हमसे जैसे ही संपर्क करेंगे डेट के हिसाब से हम आपको बता देंगे जो फाइनल रेट आपको कितना पड़ने वाला है। दोस्तों, अगर आप 17 लोग होते हैं तो हम आपको 17 सीटर टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड कराएंगे चारधाम यात्रा पैकेज में। तो उसका रेट भी दोस्तों कम होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना कॉस्ट कम होती जाती है। दोस्तों, 21,500 रुपये 1 पर्सन का हम आपको इसमें दे रहे हैं चारधाम यात्रा पैकेज में। अगर आप 17 लोग हैं, 17 सीटर हम आपको टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड कराएंगे और वो टेम्पो ट्रेवलर जो दोस्तों पुश बैक होने वाला है, काफ़ी आरामदायक आपकी यात्रा भी होने वाली है। और जो हम आपको जून महीने में रूम प्रोवाइड कराएंगे वो भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, नीट एंड क्लीन होने वाले हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज हम आपको बना के देने वाले हैं दोस्तों जून महीने में। अगर 1 जून से आगे अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं चारधाम यात्रा पैकेज का तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, जल्दी से जल्दी संपर्क करें और हम आपके लिए एक अच्छा चारधाम यात्रा के लिए पैकेज भी बना के देंगे। दोस्तों, ये हमने आपको बता दिया है कि हम अपनी ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से किस प्रकार आपको टैक्सी प्रोवाइड करा रहे हैं और पैकेज हम आपको किस प्रकार प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों, एक जरूरी बात आपको बताता हूं, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं मई महीने में और आपने ट्रेन बुक करा ली है और आपका आना जरूरी है चारधाम यात्रा के लिए और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है कि मई मंथ के पहले हफ्ते में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी खोलने की तैयारी कर दी गई है। तो आपके पास एक मौका है, आप हरिद्वार या ऋषिकेश में आके अपने लिए ऑफलाइन में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी दी थी मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से। आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें और अपने लिए टैक्सी बुक कराएं और चारधाम यात्रा के लिए पैकेज भी बुक कराएं। और दोस्तों, अगर आप पूरी संपूर्ण जानकारी चारधाम यात्रा की लेना चाहते हैं तो मैंने पीछे अपनी वीडियो बनाई है, काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है, आप उनको जरूर देखें और उसमें आपको 1-to-1 सारी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी अपनी ट्रेवल एजेंसी की जो जानकारी थी, टैक्सी की जो जानकारी थी, चारधाम यात्रा पैकेज की, सभी दे दी है। तो मैं आशा करता हूँ आप हमसे जल्दी से जल्दी संपर्क करेंगे और हम भी आपके लिए चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी और पैकेज बुक कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।